हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, बताना चाहूँगा। सॉल्व 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 2 माइनस x इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये मल्टीपल में पावर जुड़ती हैं तो ठीक इसका उल्टा चलेंगे, मतलब 5 की पावर x इंटू 5। और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं तो ठीक इसका उल्टा चलेंगे, मतलब 5 स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x। तो ये 5 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 125 प्लस 1। और साथ ही साथ हम ये भी सपोज कर लेंगे कि 5 की पावर x इक्वल टू y होगा। तो इक्वेशन हमें इस तरह फाइंड होगी, 5y प्लस 25 अपॉन y इक्वल टू, इसमें ये 1 ऐड हो जाएगा तो 126। अब 5y इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो y एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126। अब ये जो अपान में है इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो इक्वेशन मिलेगी 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126y, और 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे, अब जो इक्वेशन बनी थी हमारी उसमें हमने देखा कि 5 यहाँ पर मल्टीपल में है वाई स्क्वायर के, और ये 25 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 25 5 जा 125। साइन यहाँ पर प्लस का है, इसका मतलब 125 का ऐसा फैक्टर करें कि 126 आ जाए, 125 1 जा 125। जब यहाँ प्लस का साइन होगा तो दोनों के साइन सेम रहेंगे। अब इन दोनों में 5y² और -125y में केवल 5y कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचेगा y -25। यहाँ पर -1 कॉमन है तो क्या बचेगा, y -25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y -25 कॉमन हो गया तो क्या बचा, ब्रैकेट में आएगा 5y -1 इक्वल टू 0। अब इफ y -25 इक्वल टू 0 तो उसके बाद क्या होगा, y = 25। और हमने y को 5 की पावर x के इक्वल माना था तो 5 की पावर x = 25 हो जाएगा। तो 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब 5 की पावर x = 5 की पावर 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। और अगर हम इफ 5y - 1 इक्वल टू 0 मानते हैं तो y = 1/5, या इसको लिख सकते हैं y = 5 की पावर -1। और यहाँ पर हमने y को माना था 5 की पावर x के इक्वल, तो 5 की पावर x = 5 की पावर -1। तो दोनों से कंपेयर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा -1। तो यही दोनों आंसर हो जाएंगे, या तो x बराबर 2 होगा या x = -1। आशा करता हूँ वीडियो उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।